प्रियांशी गुड मॉर्निंग। प्रियांशी हर बजी से जा रही है तैयार होके। संडे था तो थोड़ा लेट टू। हाँ, और तुम्हारा बैग रेडी? आज पता नहीं लिया, इधर घूम कर दिया था कि तो फ्रेंड्स आज हम गए थे, मतलब हमारा जो फ्लैट बन रहा है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बहुत दिनों बाद गए थे, शायद 2020 में गए थे प्रियांशी उसके पापा में, और 21 में तो टाइम ही नहीं मिला, गए ही नहीं देखने, लेकिन अब कंप्लीट हो गया है। और पता और एक दो महीने लगेगा शायद, हो जाएगा। एंड प्रियांशी उसके पापा में हमारे मतलब मेरे स्कूटी में गए थे धन्नो में, तो हम इधर से निकले। प्रियांशी का डांस क्लास होता है ओडिसी, तो वो आई 11:30 बजे और हम घर से निकले 12:30 बजे, तो उतना दूर रिटर्न आए तो अभी 3 बज गया रिटर्न आते ही मैं मतलब दाल चावल बना ली थी और खाना थोड़ा बनाना बाकी था, तो फिर आके बनाई, खाना खाए। और बहुत दिनों से ना मुझे साड़ी खरीदना था, तो मैं आंटी को और निपी दीदी को उसकी बोली थी कि जाएंगे शॉपिंग, तो आज हम जाएंगे फाइनली। आंटी निपी मैं प्रियांशी, और आप लोग ना बोलते हो कि बबीना आंटी लाइव आओ, तो देखते हो ना संडे की प्रोग्राम अलग अलग हो जाता है। अगर जिस संडे हम घर में रहते हैं ना तो मैं उसी दिन ही लाइव का नोटिफिकेशन आप लोगों को देती हूँ। अब प्रियांशी का भी एग्ज़ाम आने वाला है तो वो भी बहुत बिजी हो रहा है, और एक ही वीक में एक ही दिन मिलता है उसका शूटिंग के लिए, सो इसीलिए मैं लाइव का नहीं रख रही हूँ। जब फिर उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा फ्री टाइम मिलेगा, तो हम ज़रूर लाइव आएंगे। एंड अभी तो बच गया है 4, मेरा बर्तन साफ करना, गैस क्लीन करना सारा हो गया है, जा रही हूँ फेस वॉश करूँगी, फिर तैयार होना है हम लोगों को, शॉपिंग के लिए निकलेंगे। मैं रेडी हो चुकी हूँ, और अगर आप सोच रहे हो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, सो हम लोग जा रहे हैं, मम्मी को न्यू साड़ी चाहिए और मैं यूनिफॉर्म के लिए भी जाना है, आंटी और दीदी मम्मी मैं 4 लोग जा रहे हैं। तो अभी मैं जाऊंगी देखना कि निपी दीदी और आंटी रेडी हैं कि नहीं, क्योंकि मैं तो हूँ रेडी। ठीक है, तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट बिल्डिंग और लालचंद आंटी जाएंगे, लालचंद अंबर भी, मतलब हम वापस कितने बजे तक आ रहे हैं? जाते हो आंटी के बजे जाने का? 7-8 तो बजे ही जाएगा। ठीक है, तो मैं चल जाकर देखती हूँ कि निपी दीदी और आंटी रेडी हो गए कि नहीं। क्या कर रहे हो प्रियांशी? 9-8 तुम क्या चिप्स खाने आए हो क्या? फिर कैसे खा रहे हो? और निपी दीदी आंटी क्या कर रहे हो? मैं एक रिंग ले ली पैरों का तुम्हारे लिए। प्रियांशी तुम क्या खरीदी क्या कुछ कि खाली खा रही हो? मैं खरीदी हूँ ना, घर जाके दिखाऊंगी। हाँ बता ही देती हूँ, एक रिंग खरीदी। दीदी आंटी क्या खरीदे? रिंग खरीद रहे हैं, पायल खरीद रहे हैं, आप भी रिंग खरीदी, दो रिंग। हाँ क्या तुम भी दो लेना चाहती हो क्या? नहीं नहीं, मेरे पास मेरा एक ही काफी है। ओके, घर से कुछ खाई नहीं थी, जैसे आए हो इधर यही खा रहे हो, लंच किए थे तो। अभी है बिल करने का टाइम, बिल करेंगे क्या क्या है। सो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं, इधर का शॉपिंग खत्म, फिर और एक जगह जाएंगे, एंड प्रियांशी का फेवरेट प्लेस है। फ्रेंड्स अभी हम लोग आए हैं मार्केट बिल्डिंग एंड प्रियांशी का यूनिफॉर्म लेने, एंड अभी हम यूनिफॉर्म में ले रही थी, इतना भीड़ है दुकान तो पूछे, बहुत ज़्यादा भीड़ है। एंड प्रियांशी के नाप से कोई कोई खरीद रहे थे, मतलब एजीआर नाप ना पर है वो, तो कोई एक्टिविटी चेंज कर सकते। मतलब
अंडा वाला हेयर बैंड है। प्रियांशी क्या देख रहे हो तुम दोनों? प्रियांशी ये रियल रियल सो फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे हो ये कौन है, तो ये मार्केट बिल्डिंग आए थे तो यहाँ पे एक हैं जो कि मतलब ऐसे कर रहे हैं प्रियांशी से आंसर कर ली। मैं डर गई वो ही ले। उनको पूछो डांस करना आता है क्या आपको? नहीं तो हैंडशेक दो दो। इनके साथ एक रील्स बनाना जरूरी है। प्रियांशी प्रियांशी आप ये स्टेचू के साथ रील्स बनाना चाहोगी क्या? नहीं। हाँ ना प्रियांशी स्टेचू मैन के साथ डांस करके कैसा फील हुआ? डर गई क्या? नहीं बड़ी। माँ कहाँ गई दीदी और निपी दीदी आंटी? प्रियांशी स्टेचू मैन के साथ डांस करके कैसा फील हुआ? डर गई क्या? नहीं बड़ी। माँ कहाँ गई दीदी और निपी दीदी आंटी? मेरे पास कुछ है खाने के लिए। अपने पापा के पास चला गया। माय पप्पू। ओ वो तुम्हारे पापा नहीं है। इट्स फाइन तुम जा सकते हो। वहाँ बहुत सुंदर इयररिंग है आप थोड़ा देखिए। प्रियांशी क्या क्या खरीदे तुमने? रिंग्स थोड़ा दिखा दो। रिंग खोले क्यों? पहन के दिखाओ। फ्रेंड्स उसने भी एक रिंग खरीदी है, निपी दीदी ने भी उसकी एक खरीदी, और ये मेरे वाला देखिए कैसा लग रहा है। और मैं ये तीन साड़ी खरीदी, आंटी भी साड़ी खरीदे, वो ये, और बिमला के लिए एक छोटू सा कढ़ाई भी लाई हूँ, वो दिखा देती हूँ। सो फ्रेंड्स मैं दिखाने वाली थी ना बिमला की कढ़ाई, इतना दोनों वाला प्रियांशी में ये मैंने देखा रास्ते में तो खरीद ली मार्केट बिल्डिंग से। और प्रियांशी तुम दूध हो रही हो क्यों खा रहे हो रोटी के बजाय? मुझे भूख नहीं आज, मैं ज़्यादा गुपचुप खा ली और मोमोज भी खाई इसीलिए। बहुत दिन बाद जब से तबीयत खराब थी ना फ्रेंड्स मैं इसको बाहर का खाना नहीं दे रही थी इसीलिए आज पहली बार खाया था। आज निपी दीदी ने हाँ खिलाई उसको। अपना अंगूठी और एक बार दिखा दो तो। ये है प्रियांशी का पांडा वाला अंगूठी। प्रियांशी का ज्यादा पसंद अच्छा है या मेरा ये वाला बोलना? मेरा पांडा वाला। और उसकी निपी दीदी भी एक अंगूठी लाई है, आंटी भी लाई है, वो उनके पास है ना ऊपर। सब अपना अपना चारों अंगूठी ले आए। और मैं ना बहुत दिनों से ये वाला लाने वाली थी, दिखा दो प्रियांशी ये अंगूठी पैर का, क्योंकि मेरे पास जो फ्लावर वाला था ना वो चुभता था, नीचे तरफ हो जाता था ना, मुझे ऐसे प्लेन शेप का चाहिए था। तो कम्फर्टेबल है? हाँ बहुत कम्फर्टेबल है। और बोली तो वो साड़ी तीन लाए हैं। फिर से मंडे आ गया, बिजी डे आज। घूम के प्रियांशी को तो शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे कैसा लगा बेटा जो दुकान सारा भीड़ भड़ा का देखा? थक गई पूरा, खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, थक गई। वो साड़ी दुकान में जाके स्टूल में बैठ जा रही थी, जहाँ भी दुकान जाओ वो बैठ जा रही थी। तो मैं आज रात को करूंगी और मैं पीछे नहीं हटूंगी। अब 7 दिन में एग्जाम आ रहे हैं तो कोर्स खत्म करना फर्स्ट पड़ेगा। साइंस है क्या? हाँ फर्स्ट साइंस है, उसके बाद हिंदी है। ठीक है तुम भी खाओ, मैं जा रही हूँ खाना खा के आते हैं, वीडियो एंड करेंगे। ओके फ्रेंड्स अभी मैं ओरियो खा चुकी हूँ एंड मम्मी मेरा बाल में ऑयल लगा रही है क्योंकि कल स्कूल है और बिना ऑयल लगाए मैं जा नहीं सकती। प्रियांशी का और एक यूनिफॉर्म ले आए हम, न्यू वाला बड़ा वाला, प्रॉब्लम नहीं होगा उसको,
मतलब स्टैंडर्ड 7 में भी काम आएगा। और जिस दिन बारिश होगा वो गीला हो जाएगा, वो की गंदा हो जाएगा, वो साफ कर दूंगी और साफ वाला बन के जाएगी। ठीक है, तो चलो आज का नाम ले लीजिए और उसके बाद हैप्पी बर्थडे भी जिनका है वो विश कर लेते हैं। नींद आ रहा है प्रियांशी को बड़ा। आज ना सोच रही थी कि लेट नाइट स्टडी करूंगी, लेकिन आज दिन भर इतना घूमी हूँ, थक गई हूँ, तो सो जाऊंगी मैं। और कल 7 दिन और बचे बस एग्जाम के लिए, तो कल मैं पढ़ूंगी पूरा बैठकर, मतलब स्कूल में रिसेस टाइम में जब भी फ्री टाइम मिलेगा एग्जाम के लिए प्रिपेयर 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 होती रहूंगी। ठीक है, तो नाम ले लेते हैं। तो आज का नाम है मानवी, अवनी सिंह, मरियम, शिखा, भूमिका, आलिया एंड गुनगुन। सो बाकी हम लोग ले लेते हैं गुंजन एंड सॉरी गुनगुन नहीं गुंजन। और हम लोग ले लेते हैं ना हैप्पी बर्थडे जिनका है, हैप्पी बर्थडे टू मीठी, बाबा अपना दिन एंजॉय करो। एंड ये हमारी तरफ से तो सबको गिफ्ट हो जाता है, बेसिकली हम लोग एक सांता है। अब नाम ले लेने से आप लोग खुश हो जाते हो। तो अभी तो मेरा अच्छे से थोड़ा मसाज करो मम्मी। ठीक है, एंड प्रियांशी का जो लेमन दही थी ना कल, पूरा उसका डैंड्रफ चला गया, बहुत अच्छे से क्लीन हो गया, कल फिर रात से चोटी बना के जाएगी। हाँ, सो चलो फिर आज का व्लॉग को भी एंड कर देते हैं, ऐसा मसाज करते करवाते करवाते चंपी। सो होप यू एंजॉय वॉचिंग दिस व्लॉग टिल द एंड। मेरा और मम्मी के रिंग में से किसका रिंग सबसे अच्छा लगा कमेंट करना। एंड या प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय, सी इन द नेक्स्ट व्लॉग। गुड नाइट।